नमस्कार, समाचार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। थाना सदर की पुलिस ने लूट खो करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। अनिल जोशी ने अचानक किया निगम कार्यालय का दौरा, कई अधिकारी पाए गए गैर हाजिर। आज अमृतसर जेल में बंद हवालाती की पुलिस की लापरवाही के कारण हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। आज अमृतसर थाना सदर बटाला रोड की पुलिस ने लूट खो करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान डीएसपी बलकार सिंह ने बताया है कि कल रात 1 बजे इंस्पेक्टर हरीश बेल ने इस गिरोह को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह में कुल 9 आदमी शामिल थे, इनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया, पर 3 व्यक्ति अभी भी फरार हैं और 2 व्यक्ति इनमें से पहले ही जेल में बंद है। डीएसपी बलकार सिंह ने बताया कि इन लोगों ने शहर में कुल 48 वारदातें की हैं और ये लोगों को रात को करीब 11 से 4 के बीच में लूटते थे। ये गिरोह रात को आने वाले यात्रियों और कारोबारी व्यक्तियों को लूटते थे। पुलिस ने इस गिरोह से मौके पर 4 मोटरसाइकिल, 1 पिस्तौल और नशीला पाउडर भी बरामद किया है। पुलिस ने इस गिरोह के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। इन्हें जी कल 1 बजे की गल है, इंस्पैक्टर हरीश कुमार ने जड़ा एक ग्रोह जड़ा ये फड़िया हैगा। ये 9 मैंबर इस ग्रोह के सीगे टोटल, इन्हों जे 4 बंदे उन्होंने मौके पर गिरफ्तार किए है और जे 3 बंदे मौके तो भज गए थे और 2 बंदे इस ग्रोह के जेल के इन्हों 2 बंदे जे पीओ है। इन शहर के बहुत ज़्यादा वारदातें कीतियां, तकरीबन 48 वारदातें कीतियां है वा और टाइम सीगा 11 बजे तो लैके 4 बजे 5 बजे तक सुबह। ये रात कोई यात्रु जा इस टाइप लोग आते सी जा कोई कारोबार होटल तो कोई काम करके आते सी उन्हां तो लुट्टां खोआं करदे सीगे। इन्हां दे कोलों इन्हां दे मोडस ऑपरेंडी ये सीगे, मोटरसाइकिल इन्हां दे कोल दे सीगे। असीं मोटरसाइकिल भी इन्हां तो 4 बरामद कीते, एक पिस्तौल भी बरामद किया, नशीला पाउडर भी बरामद किया हैगा। ये रात जदों बंदे मोटरसाइकिल ते कोई आते सफर के आते थे तो ये उन्होंने रोक के 4 पांच बंदे मुंडे होंगे से, इन्हों तो दातर होंगे से, दातर विखा के डरा धमका के उन्होंने पैसे होंगे से। इन्हें तकरीबन शहर के 48 वारदातें की और मैक्सीमम वारदातें सिविल लाइन एरिया कंटोनमेंट तो रामबाग के एरिए की है और इन्हों असी अज रिमांड से लवेंगे, रिमांड लैके इन्हों तो होर रिकवरीज से बाकी जो दोषी उन्होंने गिरफ्तार। ये जरा रात समय सब यात्रु से ना, खास करके कोई होटल तो कोई ड्यूटी तो कितने आया सीगा उस टाइप के बंदे नू। पंजाब सरकार द्वारा जारी किए गए सख्त आदेशों के मुताबिक किसी भी सरकारी ऑफिस में कोई भी कर्मचारी सुबह 9 बजे से लेट नहीं आएगा। इन आदेशों के मुताबिक आज कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी ने अमृतसर के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस में अचानक चेकिंग के दौरान देखा कि सरकार के आदेशों की खुलेआम किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही है। वहां 43 अधिकारियों में से 15 अधिकारी गैर हाजिर पाए गए, उन पर विभागीय कार्रवाई के केस दर्ज कर लिए गए हैं। बहुत सारी चीजें सामने आई हैं, लेकिन पहला भी जो डिपार्टमेंट संभाल लिया सी, ओपन मैसेज सबनों दिता सी, सारे पंजाब के डिपार्टमेंटा के ऑफिसर बुला के तकरीबन SDO लैवल तो उपर सारे ही ऑफिसर बुला के एक मैसेज दिता सी कि डिपार्टमेंट दे विच करप्शन, लोगों का शोषण जिहड़ा हुंदा डिपार्टमेंट दे विच, लोगों नूं धक्के खाने पैंदे जिहड़े डिपार्टमेंट च, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। जिहड़ी कमीशन चलती है कम्मां दे विच, डिवेलपमेंट के कम्मां च, वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। कम्मां दा म्यार चेक किया जाऊगा, डिवेलपमेंट के जिहड़े आ जो नॉर्म्स आ उन्हां दा भी बोर्ड लिख के लाउण दे ऑर्डर किए ही। चलो इलैक्शन आ गई 2-3 महीने जिहड़े आ उहदे च स्टाफ भी काफ़ी इलैक्शन ड्यूटियां लग गई, साडा भी उहदे च वह इंप्लीमेंटेशन पूरी चीज़ा नहीं आ सकियां। सैकटरी साहब ने भी, अशोक जी ने भी इंस्ट्रक्शन दित्तियां पूरी ऑफिसर मीटिंगां बुला के, पर यह है कि इन्हां सब चीज़ों तो वेले हो गए आप इलैक्शन वगैरह तो। हुण फिर एक मैसेज जिहड़ा वा अज सारे पंजाब दे जा रहा है कि लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दे विच किसी तरह की कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। अज मैं 9 बजे भी आ सकता सी, जान बुझ के असी 1.5 घंटा लेट आए हैं भी कोई ना कहे मैं ट्रैफिक फसया सी जां कोई होर मैनूं मुश्किल आ, उहदे बावजूद किन्ने डिपार्टमेंट
43 डिपार्टमेंट के मुलाजम ऑफिसर है इत्थे 15 गैर हाजर सी एक इत्थे मुलाजम है जिन्हें जल्दी जल्दी किसी ATP दी आपे ही अर्जी लिख के साइन भी कीते आ उहदे ते FIR दर्ज कराई जा रही है। बिल्डिंग इंस्पैक्टर की जिहड़ी एप्लीकेशन उहदे नाल फोन ते जल्दी जल्दी करके ते जो इत्थे चलदा ये चीजा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कीतियां जाणगियां। सतीश कुमार को मुलाजम है उन्हें एप्लीकेशन लिखती इत्थे कोई बिल्डिंग इंस्पैक्टर है देवगन देवगन एप्लीकेशन जिहड़ी लिखी है उहदे ते FIR दर्ज भी कराई जा रही चार्जशीट भी किया जा रहा सस्पेंड भी किया जा रहा इस तों वध भी कार्रवाई होगी कोई लिहाज नहीं। बिल्कुल जिहड़ियां चीजा इनकुआरी का मैटर होंदियां जदों कोई सस्पेंशन हो जाती है जां कोई कार्रवाई हो जाती है उस तों बाद इनकुआरी का मैटर हुंदा उहदे च इनकुआरी जिहड़ी आ उह करन तों बाद ही बाकी जिहड़ा काम हुंदा ते उहदे च तुहानूं दस्सिया वी किसे दा कोई लिहाज नहीं। उहनां नूं लिस्ट बना ली है उन्हां दीआं दूर इत्थों हैडक्वार्टर अपने इत्थों बदलियां जां सस्पेंशन जां जो भी कार्रवाई बनती है वो कर रहे हैं। तुहानूं दस्सिया वी जिहड़े 17 वां के 16 15 जिहड़े उन्हां ते कार्रवाई हो रही है अफेंस दे हिसाब नाल जो जो भी उन्हां दी गलती है उहदे च बाकी जिहड़े एक ने बहुत वड्डी जिहड़ी इत्थे गलती कीती है जिहड़ी एप्लीकेशन ही जल्दी जल्दी दूजे दी लिख के ते इत्थे रखती कि मैं बीमार हाँ तो मैं आ नहीं सकदा अज ते मेरी छुट्टी मंजूर कीती जावे ਉਹਨੂੰ FIR ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਲਿਖਵਾਈ ਉੱਤੇ। दादा की विरासत पर पौती ने रचा इतिहास। हम आपको बता दें कि केंद्रीय खाद्य मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने एक और इतिहास रचा है। जी हां, हम आपको बता दें कि हरसिमरत कौर बादल के दादा सुरजीत सिंह मजीठिया देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में रक्षा मंत्री के पद पर थे। 1952 से लेकर 1964 तक सुरजीत सिंह मजीठिया केंद्रीय मंत्री के पद की जिम्मेवारी संभालते रहे। अब 50 वर्ष के बाद उनकी पोती और मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की बहू हरसिमरत कौर बादल ने दादा सुरजीत मजीठिया से राजनीति में एक कदम आगे बढ़ाकर इतिहास रच डाला। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद कैप्टन अमरिंदर सिंह अमृतसर के केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के पड़ोसी बन गए हैं। कैप्टन ने भाजपा के वरिष्ठ नेता जेटली के घर के पास ही कोठी खरीद ली है। ग्रीन एवेन्यू में जेटली की रिहायश के करीब 150 मीटर की दूरी पर 144 नंबर कोठी को कैप्टन ने अमृतसर में अपना आशियाना बनाया है। वहीं 4 कोर्ट रोड पर कैप्टन का दफ्तर होगा जहां पर वह आम जनता के अलावा वर्करों के रूबरू होंगे। एक मिली जानकारी के अनुसार कैप्टन जून के पहले सप्ताह में गुरु नगरी अमृतसर पहुँच सकते हैं। आज अमृतसर गमटाला जेल में बंद हवालाती राजवीर सिंह की मौत का मामला सामने आया है, जो कि 8-9 महीनों से भुक्की के केस में जेल में कैद था। जब कल उसे अचानक बाईं टांग में दर्द की शिकायत हुई तो उसे जेल के हॉस्पिटल में ही दाखिल करवा दिया गया। जब राजीव सिंह को रात को अचानक ज्यादा दर्द महसूस हुई तो जेल के डॉक्टर अमृतपाल सिंह ने उसे एम्बुलेंस के द्वारा सिविल हॉस्पिटल में भेज दिया, पर उस हवालाते की रास्ते में ही मौत हो गई। जब पत्रकारों की टीम गमटाला जेल तो जेल के सुपरिटेंडेंट राजविंदर कुमार शर्मा ने बताया है कि उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने पर हुई है और जेल के डॉक्टर अमृतपाल सिंह ने भी यही बताया है। पर राजीव के परिवार वालों का कहना है कि उसकी मौत जेल में मौजूद डॉक्टरों की लापरवाही के कारण हुई है। रेजिडेंट ऑफ हरीके ये 1313 तो 3 NDPS केसां दे विच जेल च बंद ये कल मिति 27/5/2014 नूं दुपहरे 12 बजे हॉस्पिटल विच आया रिगार्डिंग सीवियर पेन इन हिज लैफ्ट लैग। उस स्वैलिंग दे दौरान डॉक्टर साहब ने उन्होंने चैकअप किया, चैकअप करन ते उन्हें इमीजिएट पेन किलर इंजैक्शन दिता गया। उन्हें इमीजिएट जेल के अंदर हॉस्पिटल दाखिल कर लिया गया, उसकी बैड हैड टिकट प्रॉपर बनी है। उस तो बाद 6 बजे फिर इंजैक्शन दिता गया, शाम को रात को 12 बजे उन्हें प्रॉब्लम हुई है। इमीजिएट डॉक्टर अमृतपाल ने अटेंड किया, जो वेख्या भी हालत थोड़ी जी सीरीयस है तो इमीजिएट ही वॉज़ रैफर टू सिविल हॉस्पिटल फॉर फरदर ट्रीटमेंट विद द जेल एस्कॉर्ट। वो आपां जिहड़ा जेल तो बंदा गया डॉक्टर साहब ने भेजा वो जिंदा भेजा, हो सकता उसकी रस्ते च मौत हो गई होवे। साडी उसकी एम्बूलेंस हैगी है बट इट विल टेक 20 और हाफ एन आवर जो वो इतों पहुँचता, क्योंकि इतों 12 किलोमीटर हॉस्पिटल है। कल पेशेंट राजबीर सिंह सन ऑफ दिलबाग सिंह दुपहरे 12 बजे के करीब बंदी तो बाद साडे को हॉस्पिटल च आया। इहदी लत्त दे विच थोड़ी जी स्वैलिंग सी गोडे दे कोल ते इहनूं दर्द हो रही सी, इहनूं इमीजिएटली आपां ट्रीटमेंट दे दित्ता। थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल ठीक हो गया, पेन किलर इंजैक्शन लगाया गया सी इहनूं। उस तो बाद शाम 6 बजे के करीब फिर दोबारा इन्हें दर्द महसूस करनी शुरू करती,
शामी मैं मौजूद सी जेल दे विच ही, मैं अपना ईवनिंग राउंड कर रहा सीगा, उस दौरान इमीजिएटली इन्हों इंजैक्शन ला के तो फिर अगली कार्रवाई वास्ते अपना जेल के हॉस्पिटल के ही दाखिल कर लिया, ताकि इनू बाहरों नैक्सट डे मॉर्निंग आप जी गार्ड रूटीन आती है सिर चैकअप कराया जाए बारे हस्पताल के। देखो हार्ट अटैक इज सस्पैक्टड, आप वी आर नॉट श्योर दैट परसन डाइड ऑफ हार्ट अटैक, आप एक अंदाजा लगा रहे हैं क्योंकि बंदे नूं होर कोई बीमारी है नहीं सी इदां दी, वो बाथरूम करन गया, बाथरूम करदे करदे या करन तो बाद वो कोलैप्स कर गया, तो इहो जिहे केसां च आप क्योंकि वो बंदा ओवरवेट सीगा, हैवी सी, थोड़ा मोटा ताजा सीगा, तो इट इज़ सस्पैक्टड, सानू लगता है डाउट है भी उन्हूं सडन कार्डियक अरैसट होया क्योंकि होर कोई कारण लगता नहीं उहदी मौत दा, ना कोई जख्म सी उहदे, ना कोई खून वग रहा सी कितों, ना कोई ब्लीडिंग सीगी, कोई इहो जी होर गल नहीं सी, ना ही उन्हूं कोई बड़े दिनों तो बुखार सीगा, कुछ भी नहीं सीगा, सिर्फ सिंपल लत्त दी दर्द सी, कड़ल जी पै रही सी लत्त दे विच, ते थोड़ी जी स्वैलिंग सी, कितें कोई जख्म नहीं सी, कितें कोई खून नहीं सी वग रहा, ते इहो जिहे केसां च सिर्फ इक्को इक अपने रह जांदा वी उन्हूं हार्ट अटैक हो गया होएगा। चरण सिंह जी, ये गल हुई है, कल फोन गया तो भी लत्त चो पीड़ निकलती है, लत्त चो पीड़ निकलती है, तो तड़के चले गया मुलाजम, गया वा तो ता मुंडा अस्पताल दाखिल वा, तो आपके मुंडे जाके उ मिलो जाके, वो जो उतो आया इतने आ गए अस्पताल, अस्पताल आए तो मैं पूछा मैडम, मैं मैडम जी आ गल आँदी भी इतने आए है तो मुंडा बंदा तो पहलों मरिया है, वापस लै गया जरा अपना उच्चा पुल जो पुराना उच्चा बसा लागू नहीं उतरता अस्पताल की वजदा वा, है सिविल अस्पताल, सिविल अस्पताल गए उत्थे जो मैडम मिले, मैडम आँदी मरिया आया तो अं वापस करता तो लै गए, ये तो जी इत बंदा इतने मुक गया जेल के बच्च ही, तो ये ना निकली ना बंदा मरिया, पीड़ कल परसों नहीं निकलती कि दो माड़े बंद भी दसिया भी यो गल हुई है, पर इन्होंने खड़िया नहीं अगे भी इतने एक इन्ना इतने इन्ना हम करिए गल तो बड़ा बड़ा कुछ नशा इतने बका दे पैसे महीना लैन दे जोड़ा पैसे दे दिता उन्होंने चंगा चीज़ दें जोड़ा नहीं दिता उन्होंने माड़ी चीज़ दें, एक तो इतने लुट मचाई है सब तो ज्यादा इन्होंने, तो बंदा हरा जान बुझ के मारिया गया जी, इन्होंने मरवाया गया, हूँ ना तो इन्होंने कोले कोई जमीन भांडा वा, ये तीन कितों तीन बच्चे पालू फिर पता लगे मुका वेख तो लगी साल हो गया वा, गर्मिया जी का गया साल हो ही गया वा, सानू फोन रात एक मेनू फोन आया वा जेल चो, भूआ बड़ा ही ढिला वा, तो दिने मैं तेरी भूआ उन्हें राजे ना गल कराऊ, राजवीर उनका नाम है, दिने उन्हें गल कराऊ, तो दिने तड़के साडे घरे पुलिस चली गई, बूआ खड़काया खोलिया वा, कहते माता दादा लीड़े पा के चली जा, तेरा पुत बड़ा ढिला है, तो जे आण के वेखे तो इतने सुन लिया तो मुक भी गया वा। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियां पर। थाना सदर की पुलिस ने लूट खो करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। अनिल जोशी ने अचानक किया निगम कार्यालय का दौरा, कई अधिकारी पाए गए गैर हाजिर। आज अमृतसर जेल में बंद हवालाती की पुलिस की लापरवाही के कारण हुई मौत। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं, कल फिर मिलेंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।